Good morning, students. Today I am going to explain the second chapter of Flamingo, that is Laws Supreme, written by Annis June. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the USA. Her parents were both writers. एनिस जूम जो है उसका बर्थ राउरकेला में हुआ. उसने अपना चाइल्डहुड एडोलेसेंस पीरियड जो है हैदराबाद में स्पेंड किया. एजुकेशन भी उसकी जो है वो हैदराबाद और यूएसए से थी. और इवन तक की जो एनिस जूम के पेरेंट्स थे वो भी राइटर्स थी. शी बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. इंडिया से उसने अपना करियर जो है एज ए राइटर स्टार्ट किया. एंड दिस लेसन इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस सप्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये लेसन जो है उसकी बुक लॉस सप्रिंग से लिया गया है, जिसमें उसने ग्राइंडिंग पॉवर्टी और उस पॉवर्टी की वजह से जो बच्चों की लाइफ एक्सप्लॉइट होती है उसको प्रेजेंट किया. समटाइम्स आई फाइंड ए रुपए इन द गार्बेज. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपए इन द गार्बेज, जो कि रैग पिकर्स पे लिखा गया. Now let's start. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. कहते एक दिन मैंने साहिब से पूछा कि why do you do this? कि तुम ये काम क्यों करती हो? Who was scrounging? Here the meaning of scrounge is to find something and gold. Gold it means to find something valuable by which selling we can earn money. Okay, I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps. कि साहिब जो है वो हमेशा जो है garbage dumps के पास वहां पे आता था और कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता था. साहिब left his home long ago. कई साल पहले उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. Set amidst the green field of Dhaka. कहता यहाँ आने से पहले साहिब जो है ढाका के green fields में रहता था. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. साहिब को अपनी मदर से पता चला था कि वो जिन ग्रीन फील्ड्स में रहते थे वो स्टॉर्म्स की वजह से हर साल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मदर का जो होम टाउन है वो छोड़ना पड़ा. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो यही वजह थी वो उन ढाका के फील्ड्स को छोड़ के आज बिग सिटी में रह रहे थे. यहाँ पे वो रैग पिकिंग का काम कर रहे थे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे. कहता है साहिब डिडंट लुक टूवर्ड्स मी. उसने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि उसने ये कहा कि मेरे पास करने के लिए और कोई काम ही नहीं है. गो टू स्कूल आई सी ग्लिबली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. और मैंने उसे बिना सोचे समझे और आई सी ग्लिबली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किया. गो टू स्कूल, कि क्या तुम स्कूल जाते हो? देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. वेन दे बिल्ड वन आई विल गो. कहता इस पे साहिब का रिप्लाई क्या था कि देर इज नो स्कूल इन अवर नेबरहुड. हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है और जब स्कूल बनेगा तब मैं वहां. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग. कहता वन डे हाफ जोकिंग इन हाफ जोकिंग वे, मजाक में मैंने साहिब से कहा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करता हूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. और इस पे साहिब बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ. ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिन के बाद साहिब भागता हुआ मेरे पास आया. इज योर स्कूल रेडी? कहता उसने आते ही मुझसे क्या क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई सी एम्बैरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेड. आई वॉज रियली एम्बैरस्ड टू लिसन दैट. पर पहली बार मुझे इतना एम्बेरेस फील हुआ और मैंने उससे रिप्लाई किया कि स्कूल बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड. ब्लैक इट मीन्स ब्लैक एम्प्टी. कहता इन हिज ब्लैक वर्ल्ड देयर आर मेनी प्रोमिसेस लाइक माइन. कहता जैसा मैंने प्रोमिस किया था ऐसे बहुत से प्रोमिसेस उसके वर्ल्ड में जो है लोग उनसे करते हैं. After months of knowing him, I asked him his name. कहता कई मंथ जब मुझे उसे जानते हुए भी तो एक दिन मैंने उसे उसका नेम पूछा. साहिबे आलम की अनाउंसेस एंड ही रिप्लाइड साहिबे आलम. ही डजंट नो वट इट मीन्स. तब वो नहीं जानता था कि उसके नेम का क्या मीनिंग है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तथा अगर उसे पता होता कि उसके नेम का मतलब जो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ये है
तो शायद वो इस पे कभी भी बिलीव नहीं करता. अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. रोम्स इट मीन्स वंडर्स. तो उसे नहीं पता था कि उसके नेम का मीनिंग क्या है. वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स की एक बेयर फुट जो आर्मी बनी हुई थी उनके साथ वो गलियों में घूमता था. आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज वो अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस अपियर एट नून. कहता है ये आर्मी जो थी बर्ड्स की तरह मॉर्निंग में आती और आफ्टरनून में डिस अपियर गायब हो जाती. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. कहता है कुछ ही मंथ में मैं हर उन सब बच्चों को जानने लगा जो वहां पे आते थे. Why aren't you wearing chappals? I asked. कहते एक दिन मैंने एक बच्ची से पूछा कि Why aren't you wearing chappals? तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? My mother didn't bring them down from the shelf. He answered simply. कहता उस बच्चे ने simply reply किया कि मेरी मदर जो है वो मुझे shelf से चप्पल जो है वो उतार के नहीं देती. Even if she did, he will throw them off at another. Who is wearing shoes that don't match? कहता एक दूसरा बच्चा तो उसके पास में खड़ा था जिसने कि शूज डाल रखे थे और दोनों शूज आपस में मैच नहीं कर रही थी. तो उस बच्चे ने रिप्लाई किया कि अगर इसकी मदर इसे चप्पल देती भी है तब भी फेंक देता है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. When I comment on it, here it refers to the shoes which was worn by that boy. तो जब मैंने उसके शूज को देख के कमेंट किया तो उसने अपने पाओ को शफल किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. कहता एक तीसरा बच्चा जिसने शायद लाइफ में कभी भी शूज पहने ही नहीं थे उसने कहा कि वो भी शूज चाहता है. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. कहता ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कहता मैंने कंट्री में बहुत से सिटीज की रोड पे, विलेज रोड पे बहुत से ऐसे बच्चों को देखा था जो barefoot ही होते थे, नंगे पांव होते थे. It's not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. कहता उनमें से किसी एक की ये भी explanation थी कि ये उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है चप्पल्स के लिए, बल्कि ये तो tradition है कि उन्हें नंगे पांव ही रहना है. I wonder if this is only an excuse to explain a perpetual state of poverty. Perpetual it means continual state of poverty. कहता I got surprised. मैं surprised था कि क्या ये सिर्फ उनकी explanation है उस पॉवर्टी को जो कि वो फेस कर रहे हैं इतने सालों से, जस्ट उस पॉवर्टी को शो करने की उनकी सिर्फ उसे शो कर रहे हैं. I remember a story, a man from Udipi once told me. कहता उस टाइम मुझे एक पर्सन की स्टोरी याद आई जो कि उदीपी से था. As a young boy, he would go to school past an old temple. कहता जब वो छोटा था तो वो एक स्कूल में जाता था जो कि टेम्पल के पास था. Where his father was a priest, कहता उस बच्चे का फादर उसी टेम्पल में प्रेस्ट था. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. कहता वो बच्चा डेली जो है पहले टेम्पल में जाता, वहां पे हमेशा शूज के लिए प्रेयर करता. 30 years later, I visited his town and the temple. कहता लगभग 30 years के बाद मैंने दोबारा वही टाउन वो टेम्पल जो है विजिट किया. Which was now drowned in an air of desolation. कहता एक वो जो कि अब मंदिर जो है वो पूरी तरह से लगभग जो है काफी जो है डेसोलेशन में, इट मींस काफी रुइंड था. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, कहता इसके बैकयार्ड में जहां पे नया प्रीस्ट रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. कहता कुछ रेड और व्हाइट कलर में प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड. कहता अचानक से एक छोटा बच्चा भागा हुआ आया जो कंप्लीट यूनिफॉर्म में था विद सॉक शूज. कहता भागते हुए और हांफते हुए आया, उसने अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. कहता उस बच्चे को कंप्लीट यूनिफॉर्म में देख के मुझे उस दूसरे बच्चे की प्रेयर याद आई जो कि कभी शूज के लिए यहाँ पे इस टेम्पल में प्रेयर करता था. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम. और कहता जब फाइनली उसे शूज मिल गए तो उसकी प्रेयर उसके बाद क्या होती थी कि मैं इन शूज को कभी भी खोना नहीं चाहता. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कहता और गॉडेस ने उसकी शायद उस प्रेयर को एक्सेप्ट कर दिया था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, कहता शायद यही रीजन था कि उस एरिया में प्रीस्ट के जो बच्चे थे जो बेटे थे वो शूज डालते थे.
बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. कहता है लेकिन मेरे नेबरहुड में आज भी बहुत से रैक पिकर्स जो साहेब जैसे थे वो बिना शूज के थे. माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. कहता और मेरी ये जान पहचान जो थी इन बच्चों के साथ वो मुझे सीमापुरी ली गई. सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहर के एरिया में, पेरिफेरी मींस आउटस्किर्ट्स पे, बाहर बना हुआ या बाहर का एक एरिया है, प्लेस है. दोस्त हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स. कहता और इस सीमापुरी में रहने वाले जितने ही पर्सन है दे आर स्क्वेटर्स. स्क्वेटर्स इट मीन्स हु लिव्स इलीगली, जो कहीं पे इलीगली रहते हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. और ये लोग जो है 1971 में बांग्लादेश से आए थे. साहिब फैमिली इज अमंग देम. कहता है इनमें से साहिब की फैमिली भी एक थी. सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डनेस. कहता उस टाइम तक सीमापुरी जो है एक सुनसान एरिया था. इट स्टिल इज. कहता आज भी ऐसा है. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. कहता लेकिन आज ये खाली नहीं है. इन structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. कहता मड की बने हुए स्ट्रक्चर है, इन दीवारें मिट्टी की बनी हुई, जो रूफ्स हैं वो टीन और tarpaulin की, devoid of sewage, drainage और running water, live 10,000 track pickers. कहता लगभग 10,000 track pickers उस एरिया में आज रहते हैं. लेकिन ना तो वहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. And they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits. कहते ये लोग बिना permits के, बिना किसी ID के इस area में रहते हैं. But with ration cards. कहता लेकिन उनके पास ration card है. That get their names on voters list. कहता और ration card इसलिए है क्योंकि इन ration card की वजह से उनका name जो है voter list में है. And enable them to buy grain. और उसकी वजह से, उन ration cards की वजह से उन्हें जो है grain मिलता है. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. कहता है उनके लिए खाना जो है वो ज्यादा जरूरी है उनकी आइडेंटिटी से. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड सारीज. When I ask them why they have left their beautiful land of green fields and river. कहते एक दिन जब मैंने कुछ tattered साड़ी में, rough साड़ीज में, tattered it means torn or rough, कहता साड़ीज में कुछ ladies जो थी उनसे पूछा कि उन्होंने अपने उन beautiful और green lands को छोड़ के वो यहाँ सीमापुरी क्यों आए हैं, तो उनमें से किसी ने मुझे ये reply किया कि अगर ये area उन्हें जो है खाने के लिए अनाज दे सकता है, at least रात को सोते टाइम अगर उन्हें खाली पेट नहीं सोना पड़ता, तो शायद ये एरिया जो है उनके फील्ड से कहीं बेटर है, वो फील्ड जो कि उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकती थी. वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स. और जहां भी उन्हें अनाज मिलता था वहीं पे अपने घर जो है वो सेट कर लेते, वहीं पे अपने टेंट लगा लेते थे. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम. कहता बच्चे उन्हीं टेंट्स में पलते थे. Becoming partnered in survival. कहता और धीरे धीरे उनके survival में वो partner हो जाती थी. And survival in Simapuri means rag picking. कहता और वहाँ पे उस Simapuri area में survival का मतलब क्या था? Rag picking. Through the years it has acquired the proportions of a fine art. कहता और धीरे धीरे ये बहुत fine art था उनके लिए. Garbage to them is gold. कहता उनके लिए garbage का मतलब जो था gold था. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. The garbage उनके लिए जो है daily bread provide करता था. Garbage की वजह से उनके सिर पे एक छत थी और चाहे वो छत चाहते leak करती थी daily. But for a child, it is even more. कहते लेकिन बच्चे के लिए शायद ये शायद gold का मतलब जो था और उस garbage का मतलब जो था वो बिल्कुल different था. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. और साहिब says his eyes lighting up. कहते उसकी आंखों में काफी शाइन थी और उसने मुझे बताया कि कई बार इस गार्बेज से जो है उसने उसे कई बार जो है 10 rupees मिल जाते हैं. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. उसने कहा कि अगर मान लो एक बार आपको गार्बेज के ढेर में जो है इसमें आपको एक सिल्वर कॉइन मिलता है तो आप उसे और ज्यादा एनकरेज होकर उसे ढूंढना शुरू करती हो. फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर. कहता बिकॉज देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर. कहता क्योंकि आप होपफुल हो जाते हो कि शायद आपको कुछ और मिल जाए. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. तब बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब जो था वो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट था.
यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब था सर्वाइवल, लेकिन बच्चों के लिए क्या था? दैट वॉज फुल ऑफ वंडर, दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर द चिल्ड्रन, इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए कुछ वंडरफुल उनसे मिलने वाला उन्हें होता था, तो इसलिए बहुत सरप्राइज्ड होके वो इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करती थी। एंड फॉर एल्डर्स इट मींस ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए उनके सर्वाइवल का एक मीन्स था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक मॉर्निंग मैंने देखा कि साहेब जो है नेबरहुड में जो क्लब बना हुआ है उसके बाहर की जो फेंस्ड गेट था, बाहर की दीवार के पास जो गेट लगा हुआ था, वहां पे खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, कहता टू पर्सन जो है व्हाइट ड्रेस में प्लेइंग टेनिस, दे वर प्लेइंग टेनिस इनसाइड दैट। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कहते ही वाज सेटिस्फाइड, साहिब वाज सेटिस्फाइड, ही वाज एबल टू सी दैट, ही वाज एबल टू वॉच दैट गेम, एंड ही ऑल्सो टॉल्ड मी ही लाइक दैट गेम, उसने ये भी बताया कि उसे टेनिस पसंद है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, कहता और वो एक्सेप्ट करता है कि जब कोई भी उस वहां पे टेनिस कोर्ट में नहीं होता तो वो भी अंदर चला जाता है। एंड द गेट गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, साहिब टू इज वीरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, कहता उसने मुझे बताया कि गेट कीपर जो है वो मुझे अलाउ कर देता है और अंदर जाके मैं स्विंग्स को झूले जो है झूल सकता हूँ। साहिब टू इज वीरिंग टेनिस शूज, कहता उस टाइम साहिब ने जो है वो टेनिस शूज डाल रखी थी जो कि उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ मैच नहीं हो रही थी। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कहता जब मेरा ध्यान उन शूज पे गया तो साहिब ने एक्सप्लेन किया कि ये जो है मुझे किसी ने दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कहता एक्चुअली रियलिटी क्या थी, रियलिटी थी कि वो शूज किसी काफी रिच पर्सन के थे, वो प्रहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने वो पहनने छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ ए हॉल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन शूज में से एक शूज ऐसा था जिसमें हॉल हो चुका था। डजंट बॉदर हॉल इज डजंट बॉदर हॉल ही, कहता लेकिन साहिब तो इस हॉल को कोई माइंड ही नहीं कर रहा था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए हॉल इज ए ड्रीम कम ट्रू, कहते एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी सारी लाइफ जो है विदाउट शूज स्पेंड किया, उसके लिए एक शूज जो है हॉल वाला शूज जो था वो भी एक सपने जैसा था, जैसे उसका कोई सपना जो है वो सच हो चुका। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, कहता बट द गेम इट मीन्स टेनिस इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कहता टूडे साहिब वॉज गोइंग टू वर्ड्स द मिल्क बूथ, आज वो मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। In his hand is a steel canister. Then he has a steel canister. Canister कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें हम कोई लिक्विड फिल कर सकते हैं। He has steel canister in his hand. I now work in a tea stall down the road. He says pointing in the distance. कहता कुछ दूरी पे एक स्टॉल की ओर पॉइंट आउट करके उसने रिप्लाई किया। उसने बताया कि now he works in a tea stall. I am paid 800 rupees and all my meals. कहता आई गॉट 800 रुपीज पर मंथ एंड माई मील, तो मुझे खाना मिलता है 800 रुपीज मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, कहता लेकिन मैंने उससे पूछा क्या वो अपनी जॉब पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कहता व्हेन ही वाज अ रैग पिकर ही हैज अ केयर फ्री लुक, जब वो रैग पिकर था तो उसके फेस पे एक शाइन थी, बिल्कुल केयर फ्री लुक था, लेकिन आज उसके फेस पे वो लुक मुझे नहीं दिखाई दिया। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. The steel canister जो था वो उसे उस plastic bag से heavy लग रहा था। वो bag जिसमें काफी वो garbage भर भी लेता था, लेकिन फिर भी उसे light feel होता था। The bag was his. कहता reason क्या था इसके पीछे? Writer ने कहा है कि reason था bag जो है वो साहिब से belong करता था। He was the owner of his bag. The canister belongs to the man who owns the tea shop. लेकिन ये canister जो है ये उस person से belong करता है who is the owner of the tea stall. साहिब is no longer his own master. साहिब जो है अब वो अपना